केरल सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब राजनीतिक गलियारों में खबर फैलने लगी है कि मोहनलाल जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी मनमोहन लाल को तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। देश की आम जनता लगातार बढ़ रही महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, खासकर पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों को लेकर लोगों में आक्रोश है। आंध्र प्रदेश के सीएम और एनडीए के पूर्व सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू ने तेल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर पीएम मोदी को जमकर गिरा। नायडू ने कहा कि जल्द ही देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर होगी। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि जवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें एक अनुशासित सीमा के अंदर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को संचार और सूचना के इस समय में सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मोझरहाट ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने केंद्र को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति की सिफारिश की है। वरिष्ठता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने न्यायमूर्ति गोगोई को इस पद के लिए चुना है, जो उनके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दलित शब्द को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने मीडिया को सलाह देते हुए कहा कि वे दलित शब्द की जगह संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करें, लेकिन मंत्रालय के इस निर्देश का तमाम दलित संगठनों ने आलोचना की है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तारियों के दौरान रेड में मिली एक चिट्ठी को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि 2 कमरेडों के बीच एक चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ है जिसमें एक फोन नंबर लिखा हुआ है। जब इसकी जानकारी निकाली गई तो पता चला कि ये फोन नंबर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जवाब दे कि आखिर दिग्विजय सिंह नक्सलियों के माउथपीस क्यों बने हैं। झेलम नदी पर किशनगंगा पनबिजली परियोजना का पाकिस्तान निरीक्षण कर सकेगा, क्योंकि भारत ने इसके लिए इजाजत दे दी है। इसके बदले पाकिस्तान ने भी भारत को सिंधु नदी पर बनने वाले कोटरी बराज के निरीक्षण की अनुमति दी है। जर्मनी ने रूस से पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोही नेता की हत्या के बाद यूक्रेन के संकट को हल करने के लिए राज ने एक वार्ता जारी रखने की अपील की है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के प्रवक्ता स्टेफन सेइबर्ट ने कहा, हम सभी पार्टियों से वार्ता में अपनी रचनात्मक भागीदारी के साथ बने रहने का आग्रह करते हैं। और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। रुपए के रिकॉर्ड लो पर पहुंचने पर मंगलवार को स्टॉक मार्केट पर खासा असर देखने को मिला। सेंसेक्स 154 अंक टूटकर 38,158 पर तो निफ्टी 62 अंक गिरकर 11,520 पर बंद हुआ।